भागलपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर रिक्शा चालकों के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा शहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जहां वरीय पदाधिकारी रिक्शा चालकों को यातायात नियम के पालन करने के प्रति जागरूक करते दिखाई पड़ते हैं, वहीं प्रशासन के द्वारा शुरू की गई ई रिक्शा की कोडिंग को लेकर भी चालकों और ई रिक्शा मालिकों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को भागलपुर के समाहरणालय स्थित पटेल चौक समेत शहर के अन्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने ऐसे ई रिक्शा चालकों को रोककर ई रिक्शा की कलर कोडिंग कराने का निर्देश दिया, जिसने अभी तक अपने ई रिक्शा की कलर कोडिंग नहीं कराई है। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक और जवानों ने सभी ई रिक्शा चालकों को कलर कोडिंग कराना अनिवार्य बताते हुए कहा कि इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद इसके काफ़ी संख्या में ई रिक्शा चालक बिना अपने वाहन की कोडिंग कराए चल रहे हैं, जो कानूनन अपराध है। वहीं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे डीएसपी यातायात आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जो भी ई रिक्शा चालक अपने वाहन पर कलर कोडिंग नहीं कराएंगे, उन्हें जुर्माना लगाते हुए नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा की कोडिंग कराने के लिए चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही डीएसपी ने कहा कि कोडिंग कराने के लिए सभी ई रिक्शा चालकों से अनुरोध किया गया है, लेकिन फिर भी शहर में काफ़ी संख्या में ऐसे ई रिक्शा चल रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोडिंग नहीं कराई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी। डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के साथ कोडिंग की जा रही है और पूर्व में भी इस व्यवस्था को लेकर चालकों को फॉर्म भी दिया जा चुका है, जबकि कोडिंग के लिए फॉर्म के साथ लाइसेंस की फोटोकॉपी लगाना भी अनिवार्य है। बता दें कि कोडिंग कराने के बाद ई रिक्शा चालकों के रूट तय किए जाएंगे, जिससे जाम की समस्या भी कम होगी। सभी जो टाउन में टोटो वाले टोटो चला रहे हैं, ड्राइवर हों या मालिक, सबों से अपील है कि अभी कोडिंग का काम चल रहा था, 10 तारीख तक लोगों में भ्रांति आई है कि 10 तारीख तक ही चलेगा। कोडिंग का काम अभी बाकी है, जो लोग कोडिंग नहीं कराए हैं उन लोगों से अपील किया जाता है कि आके आप कोडिंग कराएं। राज ट्रांसपोर्ट बस डिपो में कोडिंग का काम चल रहा था और बहुत सारे लोग कोडिंग बिना कराए रोड पर घूम रहे यत्र तत्र, उनको एक बार आप हिदायत भी समझें इसको कि आप अगर नहीं कराते हैं कोडिंग, वहाँ लड़के बैठे हुए हैं करने वाले और बिना कोडिंग के आप जहाँ तहाँ चला रहे हैं तो आपको पकड़ा जाएगा, तो आप जुर्माना के हकदार होंगे और ये आदेश का अवहेलना कहा जाएगा। आप लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, आप लोग कोडिंग कराएं तो उसके बाद रोड में गाड़ी चलाएं। भागलपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने बहन की मामूली विवाद में हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया, तो वहीं आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार भाई की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। दरअसल मामला जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गाँव का है, जहाँ सपना कुमारी को भाई मंतेश ने महज एक गिलास दूध को लेकर हुए विवाद में हत्या कर दी। हत्या के बाद मंतेश मौके से फरार हो गया। घटना शुक्रवार रात 11 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं पुलिस को घटना की जानकारी सुबह मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। मृतका के पिता पारन पासवान ने बताया कि वह रोज की तरह शुक्रवार को भी मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था। इसी बीच घर में छोटा बेटा मंतेश से मेरी बेटी सपना का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मंतेश और बहू ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर सबको लटका दिया है। वहीं बहू कल्पना देवी ने बताया कि मेरे सामने ही मेरे छोटे देवर मंतेश और ननद सपना कुमारी में दूध को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। देवर ने सपना को इस बीच थप्पड़ जड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी मौत कैसे हुई उन्हें कोई इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस घटना के कारण और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पारन पासवान कहाँ घर है? तुलसीपुर। वो जो मृत बॉडी वो किनका है, क्या नाम उनका? सपना कुमारी। कौन है आपकी? हमारा लड़की है। क्या वजह हुआ जो कि आज इस दुनिया में नहीं रही? वो दुनिया में नहीं रहा कि हम लोग कमाने के लिए गए, अगला साल बोले कि बेटा हम कमा के आएंगे, तो उसके बाद पैसा कौड़ी हो जाएगा, आपका शादी हम लगा देंगे और शादी होगा। इस बीच में हमारा छोटे वाला लड़का वो था, हमारा पुतहू था,
और इस बीच में उन लोग ने टंटाबाजी किया, उसी बीच में हमारा लड़की का हत्या कर दिया। कौन टंटाबाजी किया? आपका बेटा? बेटा। क्या नाम बेटा का? मंतोष कुमार। कितना उम्र हो रहा है उसका? 18-19 साल होगा। यानी कि आपकी बेटी का हत्यारा आपका बेटा है? हाँ, उसी के हाथ से मरा है। वही आप हत्यारा कर दिया? जी हाँ। कहाँ मारपीट किया? अब काहे क्या उसका मन में क्या है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकेंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर शनिवार को भागलपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए डिस्पैच सेंटर एवं अन्य वाहन पड़ाव स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नवगछिया के बीपुर और गोपालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर, इंटर स्तरीय महिला महाविद्यालय और पास ही बनाए गए वाहन पड़ाव स्थल का प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार, DIG विवेकानंद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया SP पूरन कुमार झा और जिला परिवहन पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। इसके अलावा आयुक्त के सचिव अभय कुमार सिंह, नवगछिया SDO एवं DCLR भी आयुक्त के निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। वहीं आयुक्त दिनेश कुमार ने निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आम चुनाव शांति और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक तंत्र जुटा हुआ है और चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार इसके लिए छोटी बड़ी बातों पर प्रशासन की नजर भी बनी हुई है। वहीं इसके बाद पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर एवं सुल्तानगंज के लिए जिला स्कूल में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का भी वरीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक की, जिसमें 2024 लोकसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने और मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मतदान के प्रति जागरूक करने से संबंधित वीडियो तैयार कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने की बात कही। जबकि बैठक में सभी इन्फ्लुएंसर ने अपने अपने विचार रखे। DM ने सोशल मीडिया टीम को प्रतिदिन 2-4 वीडियो स्पॉट बनाकर सोशल साइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया, जिसमें मुख्य रूप से 100 वर्ष से अधिक आयु या वयोवृद्ध मतदाता एवं उनके अनुभव को लोगों तक पहुँचाया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और सोशल मीडिया के कई इन्फ्लुएंसर मौजूद रहे।